Students, let's continue communalism but not be communal. So, the topic is gender, religion, and caste. Under that, we are on to communalism, and we have a very nice topic communalism can take various form in politics. Simple question What are the various forms communalism can take in politics? Pahalajis, strikingly visible things are religious prejudices, stereotypes of religious communities. एंड बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन ओवर दर इज स्ट्राइकिंगली विजिबल इन अंट्री बड़ा अच्छा सा पॉइंट था इंग्लिश में मैंने पढ़ दिया लोगों को लग रहा है कि बहुत ईजी है इट इज यू नो हाउ आई गिव यू एन एग्जाम्पल बी वेरी प्रॉम्प्ड लेट्स इन्वॉल्व इच अदर सो आई से वर्ड थिंक एंड वॉट इज द फर्स्ट वर्ड कम्स टू इन योर माइंड यू से राइट Okay, स्टार्ट सो इफ आई से कंजूस what's द फर्स्ट वर्ड कम्स टू योर माइंड आई एम श्योर will से मारवाड़ी Second थिंग nowadays if I इफ आई से टेररिस्ट यू विल से मुस्लिम्स फॉर श्योर आपको नहीं लगता है हम लोग कम्युनल हैं? सी ये स्टाइप हैं कोई सही बात नहीं है इसका कोई कैलकुलेटिव चीजें नहीं है बट दिस इज what we बिलीव हम बोलते हैं ना साउथ इंडियन एवरी वन इन साउथ इंडिया आई मीन साउथ इंडिया इज वॉट हम हम बोलते हैं साउथ इंडियंस को मद्रास और अन्ना आई मीन आई डोंग दिसमिली टू एंड इट इज ऑन द थीम ऑफ तमिल्स सो देर इन सर्टन कॉन्वर्जेशन गिवस द कलेरिटी ओवर कम्युनलिजम सो आई एक्चुअली गिवस थम्स अपॉर दैट वेर इन ही अन्ना चाय लिया उसका नाम अन्ना नहीं है दैट मीन्स भैया हर कोई अन्ना नहीं है वहाँ या हर कोई मद्रासी नहीं है वहां बट दिस इज वॉट इन इंडिया और या दूसरी कंट्रीज में भी हर मारवाड़ी कंजूस नहीं होता है बट हम बोलेंगे कंजूस तो वो मारवाड़ी है तो दिस इज हाउ वी बिलीव और ये रोजमर्रा की लाइफ में होता ही है हमारे सेकेंड पॉइंट अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेश्चन फॉर और इट्स अ क्वेस्ट अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पोलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी श्रीलंका सिनालास व्हाट दे फेल्ट दे वांटेड टू हैव अ मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो जो भी कम्युनल माइंड का बंदा होगा जो कम्युनल पॉलिटिक्स करेगा वो चाहता क्या है दैट पॉलिटिकल पावर शुड बी इन देयर हैंड सो दैट दे कैन डोमिनेट दे आर, अगर हमारी कंट्री की बात करें तो हु इज पावरफुल और हु इज मेजोरिटी रिमेंबर मेजोरिटी इज द वन हु इज हैविंग द पावर इन दी हैंड तो हर कोई बंदा हर कोई रिलीजन हर कोई सेक्शन ग्रुप चाहेगा कि उसके हाथ में वो पोलिटिकल पावर हो तो वो डोमिनेंस हो इन शॉर्ट दे वॉन्ट टू हैव एन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे टू डोमिनेट चाहे वो माइनॉरिटी में ही क्यों ना हो थर्ड पॉइंट देखते हैं पोलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन मैंने कई बार देखा है एंड यू हैव हैल्सो सीन आई एम श्योर वेन यू ग्रो अप लिटिल मोर यू विल ऑब्जर्व दीज थिंग्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन द वोटिंग और वी लिटरली आस्क द वोट ऑन द बेसिस ऑफ आर रिलीजन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आर पॉलिसीज एंड प्लान्स ये हमने कई बार देखा है मैंने देखा है कि अ पोलिटिकल लीडर इज देयर हु गिविंग स्पीच एंड देन सडनली ही कॉल सम साधु संत या पीर फकीर ओके दैट गिव्स मी एन आइडिया बॉज यू वॉन्ट टू ब्रिंग दिस कम्युनिटी टूगेदर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द पीर और फकीर ऑर द साधु और द संत व गुड प्लान एंड पॉलिसी आई एम श्योर यू डोट नीड दिस बट वी डू इट हम रिलीजन के नाम पर वोट मांगते हैं एंड वी लिटली क्रिएट दैट प्लेन फियर इन द माइंड ऑफ पीपल इफ वी कम इन टू पावर वील प्रोटेक्ट यू एंड इफ दे कम इन पावर देन यू आर नॉट से फियर दे क्रिएट इन आर माइंड हु आर हुए आर नाउ सी द मोस्ट अग्लियस्ट फॉर्म ऑफ दिस कम्युनिटल पॉलिटिक्स वी हैव सफर्ड

पाकिस्तान होना चाहिए हिंदुओं के लिए इंडिया होना चाहिए एंड दैट दैट मूवमेंट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस फ्रॉम हियर टू देयर लीड टू क्लैशेस और मिला क्या कुछ नहीं लॉस ऑफ लाइफ लॉस ऑफ पीस लॉस ऑफ प्रोग्रेस एंड देन स्टारवेशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स लॉट्स ऑफ थिंग तो ये बहुत जरूरी है कि हम कम्युनल ना हो और हम कम्युनल पॉलिटिक्स को सपोर्ट भी ना करें और एक्चुअली ऐसा ही होता है क्योंकि हम एक सेक्युलर स्टेट हैं अ टॉपिक विच यू हैव डन मेनी टाइम्स इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट गवर्नमेंट नेवर प्रमोट्स और डिमोट्स एनी रिलीजन और कास्ट ऑल द रिलीजन इन इंडिया आर इक्वल ऑल द कम्युनिटी हु बिलोंग टू वेस रिलीजियंस आर आल्सो कंसीडर्ड इक्वल लॉ इज इक्वल टू एवरीवन नो स्पेशल ट्रीटमेंट नो डिमोशन तो हम तो सेक्युलर हैं तो यही बोलते हैं कि इफ यू रियली फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन देन आपको किसी चीज की डरने की बात है नहीं हम एब्सोल्यूट सेक्यूलर कंट्री हैं और वो बहुत क्लियरली दिखता भी है कैसे देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूं आप सब हमेशा uh, जो कहते हैं कि नहीं नहीं इंडिया तो हिंदुओं का देश है भैया तो ओपन योर एटलेस प्लीज एंड लुक वॉट नेम कम्स फॉर पाकिस्तान They write, Islamic Republic of Pakistan. Have you seen for India like Hindu Republic of Pakistan? Nehina. So please never raise the question that we are not secular. Second thing, the constitution provides to all religions and individuals and community freedom to profess, practice, and propagate their own religion and not to follow any. देखिए कन्वर्शन अलाउड है आपको जब क्रिसमस आता है आप क्रिश्चियन बन जाओ जब ईद आती है आप मुसलमान बन जाओ जब दिवाली आती है हिंदू बन जाओ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना ही फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट करवाया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा प्लीज कीप दैट इन माइंड सो वी आर एब्सोल्यूट सेक्यूलर वी आर नॉट हैम्परिंग एनी ऑफ द रिलीजन और द रिलीजन प्रैक्टिस जो त्यौहार होते हैं सारे रिलीजन वाले अपने अपना त्यौहार मनाते हैं गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलता कि बस दिवाली मनाई जाएगी या फिर ईद ही मनाई जाएगी या फिर क्रिसमस ही मनाई जाएगी सो आप अपने रिलीजन है आपने देखोगे इन्हें कितने सारे चैनल है जब सुबह सुबह खोलते हो तो आ जाते हैं बाबा प्रवचन देने आप देखते हो कितने चैनल यहाँ मंदिर की आरतियाँ क्लियर दिखाई जाती हैं फिर वैसे ही बहुत सारे चैनल है जहाँ पे पीर फकीर कुरान की आयतें पढ़ते हैं कुरान सिखाते हैं मदरसा के हैं और ऐसे ही क्रिस्टियानिटी के हैं जहां पे होली बाइबल प्रीच की जाती है इंडिया में ऐसा कोई रोक धाम नहीं है क्रिसमस के दिन या फिर जो भी फेयर होते हैं रिलीजियस फेयर आर अलाउड फॉर एवरी वन बैंड्रा में यू हैव गॉट दिस माउंट मेरी फेयर देन द सेम थिंग यू हैव अजमेर का उर्स फॉर uh, द सलीम चिश्ती दरगाह सेम वे ऐसे हिंदू मंदिरों के भी रिचुअल्स होते हैं और सब अलाउड है किसी को रोक तो कोई भी नहीं है सो दिस इज वॉट वी आर कि आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोपोगेट प्रमोट्स एंड ऑल द रिलीजन टू सबके लिए अलाउड है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन यस ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है आपने कई बार देखा होगा uh, से जस्ट बिकॉज मैं ये रिलीजन का हूं मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बॉस इफ यू गो एंड टेक अप दिस केस इट इट बिकम्स अ केस एंड यू आर एक्चुअली अक्यूजिंग सम वन एंड देन वहां पे लिटल क्रिमिनल केसेस फाइल किए जाते हैं आपके अगेंस्ट तो इतना ज्यादा सपोर्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्न टू दू द माइनॉरिटी तो उन्हें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कंट्री सिर्फ हिंदुओं का है दिस इज फॉर एवरी वन प्लीज ओपन अप योर टेक्सट बुक्स सिर्फ नाइन्थ स्टैंडर्ड का है बट बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा आईना है रिफ्लेक्शन है कि वेयर यू आर हेडिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर हम शायद भूल चुके हैं वो सो so, आप स्टूडेंट्स हैं आई एम श्योर यू मस्ट गाइड योर एल्डर्स इफ दे आर टॉकिंग ऑन द रॉन्ग लाइंस व्हिच वुड बी वेरी राइट इफ यू हैव दिस एज एन प्रूफ देखिए कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता जो चीज सही होती है वो सही होती है उसके लिए कोई ये नहीं कि आपसे सवाल पूछे कि आपकी टेक्स्ट बुक ऑथेंटिक है है ये ये कैसे हो सकता है? ये तो इस गवर्नमेंट ने लिखी है तो उस गवर्नमेंट ने लिखी है भैया तो कोई ना कोई तो लिखेगा ही ना और कभी ना कभी तो लिखेगा ही ऐसे तो मतलब ये होगा होगा कि आप लिखोगे तो ही सही सो बी बी ऑन दैट लाइन एंड एंड बिकॉज यू आर राइट दैट्स वाई द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज फॉर एग्जाम्पल इट बैंस अनटचेबिलिटी ये कमाल की चीज है थोड़ी देर पहले तो मैं कह रहा था कि स्टेट तो इंटरवीन ही नहीं करता मतलब इंटरफेरेंस। इन रिलीजियस देन दे फील इज गोइंग अगेंस्ट ह्यूमैनिटी दिस इज गोइंग बिहॉन्ड द बाउंड्री सेटअप बाई द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट पर्पसली टू हैस यू और टू सपोर्ट एनी अदर रिलीजन अन टचिलिटी डोट यू थिंक इट्सिडर सब ह्यूमन्यूमन बींगल ऑफेंस है वो इफ यू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी यूल बी बिहाइंड बार्स तो दिस इज वॉट आर कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट्स वाई वी आर दुलर कंट्री इन दर्ल्ड सबसे अच्छा अब ये सेक्युलरिज्म है क्या देखिए Honestly, secularism is not just an ideology of some parties or person. This idea constitutes one of the foundation of our country. idea party This is the base foundation of our country that we are the secular country. Communalism threatens the very idea of India. The people who have the communal thought are a big threat not only to the community but for the whole country.

क्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक टू कॉम्बैक्ट कम्युनलिज्मीटन सिर्फ सफिशियंट नहीं है वो सिर्फ paper हो जाएगा, एक पन्ना हो जाएगा अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो यू नो कॉन्स्टिट्यूशन इज वैल्यूड इन इंडिया जस्ट बिकॉज वी फॉलो इट वाईज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो वैल्यू इन पाकिस्तान बिकॉज दे डोंट फॉलो इट कोई भी चीज ये बात वही है ना इंडिया में कहावत होती है मानो तो महादेव नहीं तो पत्थर है

एंड रिलीजियस बेस्ड मोबिलिजन नीड टू बी एनकाउंटर इन दी एरि ऑफ पोलिटिक्स हमें इस पर स्ट्रॉन्ग कदम उठाना है अगर पोलिटिकल लीडर रिलीजियस है तो मुझे तो अकल है उस चीज का हमें यूज करना है दिस इज सेक्यूलरिज्म एंड कम्युनलिज्मेक वेरियस फॉर्मस इन पोलिटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लीज कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्माइलिंग थैंक यू Hello students welcome back to gender religion and caste and we are on to the last part and the last topic which will deal with caste and politics see understand uh, caste inequalities or rather this caste system is very peculiar to India and Indian subcontinent elsewhere in the world you will not find this th uh, this thing or or the discrimination is not that striking but in India it is and how is that it cropped up since ages, societies have been social inequality and division of labor. And then this division of labor led to hereditary occupational division. Now, whatever your occupation was, it became your caste. And it was sanctioned by the rituals. As in India, you know, uh, we have this Varna system Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, then Shudras. So, then later on, when the society progressed and it became very complex, your occupation became your caste. For example, I just gave a little clarity over it. Uh, suppose if I am doing a work of gold, so sonar. If I am doing the work of iron, then it is lohar. And if I am doing the work of leather, then I am chamar. So, this is how the caste came into the picture. Caste system is based on exclusion. And discrimination against outcast group. It is there in India, and that's why in the previous slide we talk about na, untouchability we have made as a criminal offense, crime, hai. but then in India the caste system or visible. But then to a large extent, this caste system is breaking down or losing. Then there are various reasons for it. Your book says some and we'll add few. बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन दिस है अगर आप एजुकेटेड हैं लाइक कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ योर्स आस्क योर फ्रेंड की वॉट इज हिजर हर कास्ट आप पूछोगे आपका नाम क्या है बस दैट सेवर आस्क भैया किस कास्ट के हो और एल्स आई वोट सिट बिसन अनबल और इफ यन दलित ऐसा नहीं होता है और एजुकेशन इक्वालिटी समझाता है बांटता है डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है सेम वे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अगर इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं आप एंड इफ समवन इज रिच यू नेवर देयर कास्ट यू नेवर अम्बा नहीं भैया तेरी कास्ट क्या है बिकॉज वो बहुत रिच है सेम वे अगर गरीब होंगे ही नहीं या फिर ज्यादा

India's population, majority of people used to live in village where this caste inequality was very rigid and caste system is very rigid. Slowly and steadily, people started migrating to long, far away places like from UP, they started coming to Bombay, uh, from here, they started going to Chennai and also you're leaving your villages and moving to cities. And in cities, I don't care with whom I'm sitting with, with whom I'm traveling, with whom I'm working. Work is work becomes more important. So that's how mo urbanization is biggest reason I'll say, uh, which helped in losing this caste system in India or eradicating to a large extent. Then one thing which plays a major role is occupational mobility, changing the occupation. So if I I was uh, into a business of

एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ये क्रिमिनल ऑफेंस है अगर आप रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे किसी को इल ट्रीट करते हो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि क्या सच में कास्ट सिस्टम इंडिया से पूरी तरह से डिसअपियर हो गया आपका आंसर होगा नहीं नहीं हुआ है और कहां पे वो स्ट्राइकिंगली विजिबल है आप कितने भी बड़े इंजीनियर और डॉक्टर बन जाइए आप अपनी माँ से या अपने पिताजी से ये बात करके देखिए कि यू वांट टू गेट मैरिड वो क्या कहेंगे दिल से हाँ ठीक है बेटा इट्स गुड दैट यू आर थिंकिंग ऑफ योर मैरिज बट ऑबियस दे वॉन्ट से टू यू बिकॉज यू आर नॉट ऑफ दैट एज बट वेन यू ग्रो अप दैट दैट टाइम यू से और वो आपको पहली चीज कहेंगे कि लड़की जो लाओ वो अपनी कास्ट की लाना या लड़का जो ढूंढो वो अपने कास्ट का ढूंढना आप टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी बड़ा न्यूज़पेपर उठाइए और उसके मैरिज वाले सेक्शन में जाइए वहां पे बड़े अच्छे से एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है एक गोरा पांच फुट पांच इंच का लड़का अग्रवाल समाज का या ठाकुर या ब्राह्मण को एक सुंदर सुंदर टिकाऊ नहीं बट सुंदर ब्राह्मण लड़की चाहिए कास्ट फोकस होता है कास्ट में वहां लिखा होता है क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण के लिए तो यार एजुकेटेड जमाने में इवन आप डॉक्टर तो भी ये है तो इंडिया में कास्ट सिस्टम इरेडिकेट नहीं हुआ है और ये कुछ चीजों पे बड़े आसानी से दिखता है मैरिज आज भी आपके कास्ट में या ट्राइब में ही होती है अनटचेबिलिटी आज भी दिखाई देती है कास्ट ग्रुप जिनको ये एक्सेस रहा है एजुकेशन का सिंस एज इज दे आर स्टिल दे देव अक्वायर्ड द बिग पोजिशन हायर पोजिशन एंड दे आर स्टिल देयर एंड द साइक्लिंग इज दैट वे बट देर इज बीन अ चेंज नाउ द चेंज इज Coming slow and steady, but it's on the right path. Wherein the other caste people also acquiring education and getting the position. So I never ask an IAS officer or police inspector or a doctor, what's your caste is. chahe wo dalit hi kyun na ho ya weaker section of society ke kyun na ho क्योंकि caste system India में ज़्यादातर economic status से relate करता है. और इसलिए हमारे country में discrimination थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है. अब जब हम बात करेंगे ना caste in politics की, तो बिल्कुल same lines पर है ना, जैसे आप religion में थे. जैसे रिलीजन को पोलिटिसाइज किया जाता है वैसे कास्ट को भी किया जाता है और सब कुछ सेम होगा थीम बिल्कुल सेम है बस थोड़े बहुत छोटे चेंजेस आएंगे वहां पे रिलीजन की बात होती है यहाँ पे कास्ट की बात होगी कास्ट वैसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय मतलब एस सी एस टीज बिजनेस क्लास ट्रेडर्स मर्चेंट्स एंड देन एरिस्टोक्रेटिक रिचर्स ऑफ द सोसाइटी वॉरियर्स द ब्राह्मण तो इन इनको कास्ट में लाते हैं तब क्या होता है कास्टिज्म इज़ रूटेड इन बिलीफ दैट कास्ट इज कम्युनिटी यहां पर कास्ट आप कभी रूरल एरिया में जाइए अपने विलेज में जाइए फाइंड दैट लिविंग इन वन सेक्शन ऑफ अदर सेक्शन इज ऑक्यूपाइड बाय द ब्राह्मन देन द अदर सेक्शन बाय द एस और एसटी

वो नीचे जो लोग हैं उनको ये लगता है कि हाँ हमारे कास्ट वाला कोई वहां ऊपर बैठा है और जो ऊपर बैठा है वो नीचे ये बताते रहते हैं कि देखिए हमारे कास्ट को कितना इक्वालिटी और सम्मान मिल रहा है सो दैट वे पॉलिटिकल पार्टी यूज कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड इंडिया में तो ये बहुत बड़े हद तक होता है और आपको पता है दिस टेलीविजन विच वॉज लाइक टू फ्रेंड्स आर राइडिंग बाई कैन सडनली सिग्नल एंड देन वन ऑफ तो बोलते वोट देना है तो वैसा ही कॉन्टेक्ट करेंगे पोलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट इन इलेक्शन मेक अपील ऑन कास्ट सेंटीमेंट टू मस्टर सपोर्ट जिसे हम वोट बैंक कहते हैं सो so, देरली कहता हूं आपको बी एस पी बहुजन समाज पार्टी नाम क्या बहुजन मीन

वोट बैंक का मतलब ये कभी नहीं होता है दैट एवरी वोट ऑफ दैट सेक्शन विल अप टू योर पार्टी और ये क्यों नहीं होता फ्रेंचाइज एंड सिक्योरिंग पोलिटिकल सपोर्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है इंडिया में यू हैव वन पर्सन वन वोट सो विच एवर सेक्शन ऑफ सोसाइटी यू गो एवरी वन वोट मैटर्स

तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है तो दैट्स पॉलिटिक्स कोई छोटा मोटा नहीं है आपको बहुत ज्यादा सोचना उसके ऊपर अब कुछ केसेस देखते हैं आपने जो केस सुने उस हिसाब से आपको लग रहा होगा इंडिया में तो सारे इलेक्शन जो है इलेक्शन इन इंडिया आर कास्ट बेस नो दे आर नॉटरी इंटरेस्टिंग थिंग नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यंट्रीज ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट आपके जितने कॉन्स्टिट्य है ना किसी में भी एक कास्ट का कोई नहीं है तो अगर आप कास्ट का कैंडिडेट खड़ा भी करोगे तो वो ऐसा नहीं कि सारे लोग उसी कास्ट के हैं अगर उसको उसके कास्ट के ज्यादा वोट भी मिलेंगे तो बाकी के वोट तो किसी और को जाएंगे ना तो पॉसिबल ही नहीं आप खड़ा कर लो कास्ट के बेसिस पे कैंडिडेट चुन लो कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरेस्टिंग सी बात नो पार्टी विज द वोट ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट और अ कम्युनिटी दे कैन हैव अ वोट बैंक मेजोरिटी ऑफ द वोट ऑफ वन कास्ट माइट कम टू बी एस पी और बीजेपी बीजेपी और

पर वहां पर और भी कास्ट हैं एससी हैं एसटी हैं टी है क्षत्रियज है, है, हैं वैश्यज है उनका कोई कैंडिडेट नहीं है उन्हें भी तो वोट करना है और उसके बाद अगर सारे ही कैंडिडेट ब्राह्मण हैं तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना मैं तो अपने जात वाले को वोट दूंगा फिर तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा तो सोचिए किस बेसिस पे वोट दोगे क्योंकि वो जो सोचोगे ना वो आपका आंसर है रूलिंग पार्टीज एंड सिटिंग एम पी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शन इन आर कंट्री इससे ज्यादा बड़ा साइन क्या है अगर आप बेटा कास्ट के बेसिस पर ही वोट होते ना तो इंडिया में कभी भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी और रूलिंग एमपी जिसे जिससे हम uh, कहते हैं ना सिटिंग एमएलए और एमपी ये कभी बदलते ही नहीं क्योंकि अगर आपने मुझे वोट दे दिया आपके कास्ट के हिसाब से आई एम एन एम और एन एम एल ए मैं अगले साल क्यों हारूँ क्या मैंने जात बदल दी अपनी नहीं ना मेरी तो वही जाता है पर मैं हार जाता हूँ बिकॉज वी डोंट वोट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट वी वोट ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग एल्स यू थिंक यू थिंक बिकॉज दैट्स द नेक्स्ट पार्ट सो क्लियरली व कास्ट मैटर्स इन इलेक्शन और इलेक्ट्रोलियल पोलिटिक्स सो डू मेनी अदर फैक्टर्स वॉट आर दो बताइए जो फैक्टर्स है ना बेटा वो हमेशा होते हैं कि यू विच कैंडिडेट हैज कम अप विद द बेटर प्लान एंड पॉलिसीज विच कैंडिडेट हैज प्रूवन द वर्थ इन द पास्ट विच कैंडिडेट यू फील कैन डू बेटर फॉर द सोसाइटी यू नेवर थिंक ऑफ दैट वॉट ही डू पर्सनली फॉर माई कास्ट अगर किसी एरिया में मुझे पानी लाना है तो मैं पानी लेके आऊंगा और ये नहीं कहूंगा मैं वहां पर डैम बनवा दूं या कैनल बनवा दूं या वेल बनवा दूं या टैंक लगवा दूं मैं ये नहीं कहूंगा नहीं ये तो बस मुसलमानों के घर जाएगा या ये पानी सिर्फ हिंदुओं के घर जाएगा या ये सिर्फ एस वालों के घर जाएगा ये सिर्फ ब्राह्मणों के घर जाएगा ऐसा तो होगा ही नहीं अगर मुझे बिजली लगानी है तो ऐसा तो नहीं अरे आपने मुझे वोट नहीं दिया था मैं तो आपके घर पर बिजली नहीं लगवाऊंगा तो जो काम करने वाला है ना बेटा वो सोसाइटी के लिए काम करता है किसी एक सेक्शन के लिए काम नहीं करता है तो वो ध्यान रखिए आप अब हम एक इंटरेस्टिंग सी बात पे हैं और आखिरी टॉपिक पे हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट आपने पहले पढ़ा था कास्ट इन पॉलिटिक्स उसके बाद आप पढ़ रहे हो पॉलिटिक्स इन कास्ट मतलब कास्ट के अंदर कैसे पॉलिटिक्स होती है पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटी बाय ब्रिंगिंग देम इनटू पॉलिटिकल एरिना पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है सारे जो कास्ट के लोग हैं ना उनको पॉलिटिकल एरिना में लाने के लिए इनकी इनकी वॉइस को वहां तक पहुंचाना है पार्लियामेंट तक तो इसमें से पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए इन्हें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए और इन्हें वहां बैठना चाहिए तभी सुधार लाएंगे अपने सेक्शन का एटलीस्ट दिस इज हाउ दे आर बॉर्ट इन टू पोलिटिकल एरिना थर्स इट इज नॉट पोलिटिक्स दैट गेट कास्ट रिडन इट इज कास्ट दैट गेट पोलिटिसाइज सिंपल सी बात है पॉलिटिक्स कास्ट रिडेड नहीं होती है बट देन कास्ट जो है तो उसको हम पोलिटिसाइज कर देते हैं कि भैया ये दलित हैं इन्हें ये नहीं मिल रहा है ये वो हैं इन्हें वो नहीं मिल रहा है ये ये हैं इन्हें ये नहीं मिल रहा है और हम उसे पोलिटिसाइज कर रहे हैं सिर्फ कास्ट को कि हम तो गरीब ही हैं पहले से तो आज हम गरीब ही रहेंगे तो हमें रिजर्वेशन चाहिए एंड ऑल दैट थिंग ईच कास्ट अब ये कैसे करते हैं कास्ट एंड पोलिटिक्स ये कैसे करते हैं ईच कास्ट राइट टू बिकम अगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन द नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट

रिजर्वेशन था फिर उन्होंने क्या बोला कि उनका नंबर कम है नंबर कम है तो इन्फ्लुएंस थोड़ा कम कर पाएंगे तो लेट्स मेक नंबर बिग तो उन्होंने ना इनकॉर्पोरेटिंग जो नजदीकी छोटी कास्ट है उनके बाद वाली उनको कहा कि सी यू जॉइन अस आर नंबर विल बिकम बिग एंड देन दिस इज द बेनिफिट वी आर गोइंग टू गेट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स एंड द कास्ट सब कास्ट विच वर आउटसाइड दैट ब्रैकेट जंप इन टू दैट

हम एस सी कैटेगरी में आ जाते हैं या इस कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी में जाते हैं और ये बेनिफिट हमें मिलेगा तो वो कास्ट वाले ये सोचेंगे नेगोशिएशन होगी दोनों के बीच में दे विल से हम आएंगे तो फायदा क्या हमको एक टैग मिल जाएगा बट देन टैग ये है ना कि आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा आपको जॉब भी मिलेंगे आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन भी मिलेंगे तो ये नेगोशिएशन डायलॉग्स चलते हैं और उस बीच पे अगर उन्हें लगता है कि वो सेट कर पा रहे हैं तो फिर वो कास्ट की एक बड़ी ब्रैकेट बन जाती है फाइनली इंडिया में नए कास्ट सिस्टम आ गए पहले होता था बैकवर्ड कास्ट जिसे हम एस सी कहते थे अब आ गया है फॉरवर्ड कास्ट सिस्टम मराठास वॉरियर्स आस्किंग फॉर रिजर्वेशन ठाकुर फॉर रिजर्वेशन ब्राह्मन आस्किंग फॉर रिजर्वेशन सो दिस इज हाउ कास्ट आर पोलिटीसाइज अब ये थोड़ा सा मैटर ही ऐसा एक चीज याद रखिए कास्ट डिफरेंट डिफरेंट रोल्स पॉलिटिक्स में प्ले करेगा पॉलिटिक्स हमेशा हेल्प करेगी बे आ, कुछ कास्ट को जैसे दलित हैं ओबीसीज हैं और ये इनके बेटरमेंट के लिए होगा अच्छे डिसीजन आएंगे ये पोलिटिकल में होंगे बट एक चीज ध्यान रखिए जो काम करेगा वो जीतेगा और जो जीतेगा वो शायद काम लगातार करते रहे तो कास्ट उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है आज भी आज भी वही मैटर करता है कि काम कौन कर रहा है सेवरल पोलिटिकल एंड नॉन पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव बिन डिमांडिंग फॉर मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज इन केस इन सम केसेस कास्ट डिविजन लीड्स टू टेंशन कॉन्फ्लिक्स एंड इवन वायलेंस बहुत जगह पर ऐसा हुआ है कि ब्राह्मण वर्सेस एससी हो गया वर्सेस मतलब लड़ाइयाँ हो रही हैं क्योंकि डिमांड देखिए एक का डिमांड किसी दूसरे के अगेंस्ट ही होता है अगर मैं रिजर्वेशन दे रहा हूं तो किस जनरल कैटेगरी से काट कर वो दे रहा हूँ ना आपको और ये रिजर्वेशन जितना बढ़ेगा तो जनरल कैटेगरी को प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम होगा तो दे विल नॉट लाइक इट और फाइट होगी और जिसे चाहिए दे विल फाइट टू गेट दैट तो ये थोड़े क्लैशेस वायलेंस वगैरह होते रहे हैं और वो विजिबल भी रहे हैं ये जेंटलमैन है जो बहुत फेमस आदमी है आपका नाइन्थ में एक चैप्टर भी था कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन इन्हीं की स्पीच से शुरू होता है नेल्सन मंडेला पीस इज़ क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट व्हेन ऑल कैन फ्लरिश रिगार्डलेस ऑफ रेस कलर क्रीड रिलीजन जेंडर कास्ट और एनी अदर सोशल मार्कर्स ऑफ डिफरेंसेस नेल्सन मंडेला ऑन दिस नोट आई कंप्लीट दिस चैप्टर You please keep revising and keep smiling. Thank you.